नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ पलास का पौधा। नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन शायद देखा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कम दिखाई देता है और इस लाल और सफ़ेद दो रंग के फूलों में ये आता है। तो केसु के फूल के नाम से आप इसको समझ गए होंगे। इस पर इसके जो फूल आते हैं उसको केसु के फूल भी बोलते हैं उनको, और इस पौधे का नाम है पलास। तो दोस्तों, इसके इतने सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं इस पौधे के। जड़ से लेकर पत्तियाँ, इसका तना, सब कुछ, इसके फूल, सब कुछ यूज़ किए जाते हैं आयुर्वेद में, और बहुत ही शुभ ये पौधा है। कहते हैं जिस घर में होता है लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सफ़ेद वाला जो पलास होता है उसकी ये पहचान है कि उसकी जब नई पत्तियाँ निकलती हैं तो वो सफ़ेद रंग की रहती हैं, छोटी छोटी सी, और फिर धीरे धीरे वो ग्रीन हो जाती हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये लाल वाला है। दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, और इस तरह की देखिए इनकी पत्तियाँ होती हैं बड़के जैसी। तो कहीं भी आपको ये दिखे, अगर किसी भी जगह नर्सरी में कहीं भी, तो आप इसको लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाना इसको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक बिल्कुल बड़े पेड़ का आकार ले लेता है ये, और इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं, और बहुत ही अच्छा ये शुभ पौधा है। इसको कोई भी इतने खास, ना ही कोई फर्टिलाइज़र चाहिए, ना ही कुछ, बहुत ही आसानी से ये अपने आप बढ़ता रहेगा, जैसे कि बड़, पीपल, ये सब उगते हैं। तो इस तरह का ये पौधा होता है पलास का, और पलास के फूलों को हम रंग बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। होली पर जब खेलते हैं तो इसके रंगों की, जब हम रंग बनाते हैं इसके फूलों से, तो बहुत ही शुभ माना जाता है केसु के फूलों से। तो दोस्तों, लाभ तो इसके इतने हैं, आयुर्वेदिक लाभ तो इतने हैं कि उनको हम गिनना भी मुश्किल होगा। तो ऐसे जो शुभ पौधे होते हैं वो ज़रूर हमें लगाने चाहिए और देखने चाहिए कि वो होते कैसे हैं, किस टाइप के उनकी पत्तियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो पलास का पौधा आप कहीं से भी नर्सरी से ले सकते हैं और लगा सकते हैं। वैसे इस पौधे पर जब ये बड़ा कहीं लगा हो तो उस पर बीज भी आए हुए होते हैं, आप बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस चैनल पर दोस्तों मैं यही सब, जितने भी मुझे दुर्लभ या फिर कैसे भी पौधे मुझे दिखते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नए नए पौधों को जानना, देखना, और हर एक पौधे के बारे में पता करना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पलास के पौधे को, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ और प्लांट्स के बारे में आप देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।